सरकार की तो आज क्लियर हो चुकी है, हर वर्ग को पता नहीं ये जान पूछ के नीति है, इनकी सोच है कि हर वर्ग को जो कि वो एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स का मैटर हो या बेरोजगारी से युवाओं का मैटर हो या कर्मचारी का मैटर हो, हर किसी को जो है ना प्रताड़ित करना, शायद ये इनकी नीयत बन चुकी है, नीति बन चुकी है। और ये प्रयोग करके देखते हैं कि इस प्रकार से लोगों को त्रस्त करते हैं, परेशान करते हैं, उनके साथ इस प्रकार का उन नीतियाँ लाकर उनको जो प्रताड़ित और मानसिक रूप से उनको वो करने का काम, उसका बेनिफिट क्या होता है। मेरे को लगता है ये हरियाणा के अंदर इस सरकार के द्वारा ये प्रयोग किया जा रहा है। सर, रणदीप सुरजेवाला की तरफ से एक बयान जारी हुआ है टीजीटी पीजीटी टीचर्स के वैकेंसी को लेकर कि वो उन्होंने ठेका प्रथा कर दी सरकार ने, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? तो मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, मैंने तो पिछले बजट में भी और पिछले सत्र में भी आपने देखा होगा मैंने इस प्रकार का ये मुद्दा उठाया था, जिसका कोई जवाब जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर के पास नहीं था। आपने, आपको ध्यान होगा वो मुद्दा। ये तो सरकार की क्लियर नीति है, ये सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं, जिस प्रकार से इनकी कार्यशैली चल रही है, ये पूर्ण रूप से एजुकेशन को निजी का एजुकेशन का निजीकरण करना चाहते हैं, हर चीज़ को जो है निजीकरण करके सरकारी सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सरकार की क्लियर पॉलिसी है, तो दूर दूर से नजर आती है इस बात को। तो प्रयोगशाला जो हुई है इसको लेकर के आप मानते हैं कि बजट में आप अच्छे सुझाव आप दे पाएंगे जी, उसकी एक सार्थक चर्चा जी? बिल्कुल, देखो ये प्रशिक्षण तो नेचुरली बजट को अच्छी तरह समझने का है, उसका बेनिफिट होगा अगर कोई इससे लेना चाहेगा दिल से इसको, इस बजट के ऊपर जो है ध्यान देकर, तो हर विधायक के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उस बजट का यूटिलाइजेशन जो है ना, सरकार आज लोकतंत्र में क्या होता है, विपक्ष का मतलब क्या होता है, विपक्ष को अच्छा सुझाव दे सरकार उसको मानती थी, आज उस प्रकार का कोई माहौल नहीं है। जिस प्रकार का रवैया आप देखते हैं, हम सत्र में मैं बेसिकली जेन्युइन मुद्दे जो होते हैं जो प्रदेश के लोगों के होते हैं उनको उठाने का काम करता हूं, लेकिन उस पर एक कान से सुनकर दूसरे कान में निकाल दिया जाता है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसमें विपक्ष का मत, मैं तो कहता हूं अगर इसी प्रकार से सरकार को करना है तो बजट सत्र ये हाउस वगैरह सेशन बुलाने की जरूरत नहीं, अपने सत्ता पक्ष के लोग आएँ और अपने बिल पास करें और एक तरफ ख़त्म करें, ये ड्रामे इस टाइप के करने की जरूरत ही कहाँ है। लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल, उससे पूरे प्रदेश के लोग बहुत त्रस्त और निराश हैं, और मैं दावा करता हूं इस बात का आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता वोट की चोट करके इनको जो है ना इस बात का जवाब देने का काम करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।